योगिनी को कहा। तो योगिनी तो कौन से धर्म का पूर्वज है? अरे वंश तो बताई दिए ना, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश। साकार में हाँ चंद्रवंश का बीज है ना, तो चंद्रवंश का जब बीज है तो चंद्रवंश का बीज क्यों हो गई? वो तो सूर्यवंश में जन्म लेती है। अरे सूर्यवंशियों में तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, या स्त्री का भाव आएगा? आना चाहिए। अगर आता है स्त्री का भाव तो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। जब आत्मा आत्मा भाई भाई का भाव बनने लगे तो कहेंगे पक्के सूर्यवंशी हुए कि नहीं। और अगर पक्के सूर्यवंशी हैं, समझ में आ रहा है, पक्के सूर्यवंशी हैं, तो वो जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो जन्म जन्मांतर पुरुष ही रहेंगे क्या? देह के बगैर सुख भोगेगी आत्मा जन्म जन्मांतर की? नहीं, नहीं भोगे। तो फिर किसके साथ? क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं, वो सूर्यवंशियों में अगर चोला स्त्री चोला है, चोला तो स्त्री है लेकिन आत्मिक स्थिति पक्की है, इसलिए आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण भाई भाई हैं। लेकिन स्त्री चोला होने के कारण वो जो सिट्टा जोरी होती है जन्म जन्मांतर की, होती है कि नहीं? ऊंच कुल में जाती है कन्या है? कि कन्या नीच कुल में दी जाती है? ऊंचे कुल में दी जाती है। हा तो बताओ, जब सत्युग शुरू होता है या संगम युग में भी जो विजयमाला बनेगी तो रुद्रमाला की आत्माएं कौन से माला के मणकों के साथ ऐड होंगी जो विष्णु रूप बने? विजयमाला के साथ ऐड होंगी। तो जो अव्वल नंबर का मणका है वो तो प्रजापिता है, और उसके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे उनका भी 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? होगा ना, नहीं होगा? हाँ होगा। द्वयम नंबर का जो मणका है उसका भी ग्रुप 12 का होगा। तो जो योगिनी का ग्रुप है, दूसरे नंबर का मणका है, दूसरे नंबर का पूर्वज है ना, तो विजयमाला में जो दूसरे नंबर की होती आत्मा उसके साथ संबंध जुटेगा या नहीं जुटेगा? हाँ जुटेगा। तो पूरे ग्रुप का 12 का ग्रुप उन 12 के साथ सिट्टा जोड़ी होती है। तो बताया कि वो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब बनता है संघ का रंग का, क्या नहीं बनता है? हाँ बनता है। राधा है, और राधा के एकदम जो नई नजदीक होने वाली आत्माएं हैं, एकदम पक्की फॉलोअर, वो तो 11 आत्माएं और जो भी 12 का ग्रुप है तो वो तो अव्वल नंबर 12 के ग्रुप के साथ उनका हिसाब किताब बनता है, विष्णु रूप बनेंगे, नंबर बार बनेंगे ना। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का बुद्धि जाती है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं? दूसरे नंबर का जो मनका है सूर्यवंश में, उसका अपना ग्रुप होगा पक्के फॉलोअर्स का कि नहीं? हाँ। तो वो 12 का ग्रुप जो विजयमाला है उसमें दूसरे नंबर का जो मणका होगा है उनका 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? उनके साथ हिसाब किताब बनता है। तो ये हिसाब किताब बन जाता है। सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं वो हैं ऊंचते ऊंच, लेकिन हाँ आत्मिक स्टेज में है तो पक्की सूर्यवंशी,
और आत्मिक स्टेज अगर जल्दी नहीं बनी, थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर नंबर दो होगा कि नहीं? हाँ, तो नंबर दो हो जाने की कारण विजयमाला में जो नंबर दो का ग्रुप है ना, उसमें जाकर के उनका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का बनता है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों का सूर्यवंशियों में संयोग हो जाएगा जन्म जन्मांतर का, होगा नहीं? नहीं समझ में आया? आया समझ में? हाँ आया। और मत क्लास करो टाइम से। सूर्यवंशियों का जो बारह का ग्रुप है ना, है ना, तो बारह के ग्रुप में बारह ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं ना, उनमें जो पहला ज्योतिर्लिंगम है वो कौन है? अव्वल नंबर प्रजापिता है, तो उसका ग्रुप होगा कि नहीं? उसके पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप, हाँ वो पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप भी बारह का है। ऐसे ही विजयमाला में जो अव्वल नंबर बड़का है उसका भी पक्के फॉलोअर्स का 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा कि नहीं बारह का? तो जो बारह का ग्रुप होता है, हाँ, उस बारह का ग्रुप का अव्वल नंबर जो पूर्वज है सूर्यवंश में, उनके साथ हिसाब किताब बनेगा कि नहीं जन्म जन्मांतर? हाँ बनता है। ऐसे ही जो रुद्रमाला का सेकंड नंबर का सूर्यवंश का मणका है, सूर्यवंशी है कि नहीं, हाँ, तो उसका ग्रुप होगा 100% फॉलोअर्स का, नहीं होगा? होगा। तो जो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा, वो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप उसका फिर हिसाब किताब चंद्रवंशियों में कौन से ग्रुप से जुटेगा? विजयमाला में। अरे सूर्यवंशियों में जो फर्स्ट ग्रुप है उसका फर्स्ट के साथ हिसाब किताब जुड़ा। ऐसे ही सूर्यवंशियों में जो सेकंड नंबर है उसका जो फॉलोअर्स का ग्रुप है 100% फॉलोअर्स अच्छे अच्छे, तो उनका हिसाब किताब कौन से ग्रुप के साथ जुड़ेगा? विजयमाला में दो नंबर के साथ जुड़ेगा ना? तो नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जो दो नंबर का ग्रुप है चंद्रवंशियों में, तो दूसरे नंबर का ग्रुप जो चंद्रवंशियों के नीचे होगा वो कौन से धर्म वाला होगा? चंद्रवंशियों में कौन से धर्म का हुआ जो नीचे गिरेगा, जिसमें जाकर के छिलका चढ़ेगा या जड़ बनेगा, आधार मूर्त बनेगा? क्योंकि चंद्रवंश में तो सारे ही आधार मूर्त है ना, राधा भी तो आधार मूर्त हुई ना, तो वो पहले नंबर का आधार मूर्त। ऐसे जो दूसरे नंबर का आधार मूर्त बड़का है, दूसरे नंबर का ग्रुप है आधार मूर्त, हाँ, तो वो कौन से? हाँ, इस्लाम धर्म में जाकर के वो जाकर के आत्माएं जो है सेकंड नंबर ग्रुप वाली, वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होने वाली। सूर्यवंश में छिलका होगा, सूर्यवंश का छिलका चढ़ेगा। जो आधार मूर्त है वो छिलका नहीं, वो जड़े ही बन जाएंगी। किसकी? इस्लाम वंशियों की जड़े बनेंगी कि नहीं? हाँ बनेंगी। तो ऐसे हिसाब बनता है के सूर्यवंशी सेकंड नंबर मणका कौन? सूर्यवंशी सेकंड नंबर मणका उसका सेकंड नंबर ग्रुप, सूर्यवंशी फर्स्ट नंबर का मणका उसका फर्स्ट नंबर का ग्रुप। अरे नहीं समझ में आ रहा? सूर्यवंशी जो फर्स्ट मणका है उसका बारह नंबर का जो ग्रुप बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो वो फर्स्ट क्लास होगा कि नहीं? कि सेकंड वाले के साथ जोड़ देंगे उस ग्रुप को? नहीं। ऐसे तो सेकंड नंबर मणका है
योगिनी है या योगी राज है? हाँ, योगिनी है तो वो जो रुद्रमाला है, सूर्यवंशियों की माला है, उन सूर्यवंशियों आत्मा आत्मा भाई भाइयों के जो ग्रुप है उसमें पालना करने वाली माता तो पार्ट बजाती है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में माता होनी चाहिए सूर्यवंश में? नहीं, वो तो भाई भाई है, तो माता का पार्ट बजाया है। और वो माता जो है उसका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का भी बनेगा कि नहीं, उतरती कला के जो द्वापर कलयुग के युग हैं और जो सतयुग त्रेता में भी जो उतरती कला के नारायण हैं उनके राज्य में उनका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा, उनके 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 छिलके बनेंगे कि नहीं, बीज रूप छिलके होते हैं कि नहीं, बीजों में छिलका नहीं होता है? हाँ, कोई का कड़क छिलका होता है, कोई का हल्का छिलका होता है। तो बताया कि वो जो सेकंड नंबर ग्रुप है वो सेकंड के साथ, फर्स्ट नंबर ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर ग्रुप के साथ। बताया जो चंद्रवंशी राधा है वो चंद्रवंशी राधा है अपने फर्स्ट ग्रुप को लेकर के, जो फर्स्ट ग्रुप सूर्यवंशियों का है उसमें जो पार्ट बजाती है, तो वो बारह है जो है वो किससे ज्ञान लेंगे डायरेक्ट? सबसे पहले से पहले ज्ञान सागर से ही लेंगे ना, कि ज्ञान सूर्य से लेंगे है? शिव से लेंगे, सदा शिव से, सदा शिव से डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता, वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक। लेकिन पहले नंबर का नंबर होने का पहले लगेगा किसका? जो राधा के विजयमाला के ग्रुप में अव्वल नंबर ग्रुप है वो ज्ञान सागर के कनेक्शन में आएगा।